हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। मेरा नाम है नेहा और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिकन पिटोनिया की। तो अगर आप भी ऐसे ही फूल पाना चाहते हैं अपने मैक्सिकन पिटोनिया में, तो आपको रखना होगा कुछ बातों का ध्यान, जैसे कि इसकी पिंचिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे ही कोई फूल खिल जाता है और उसके बाद गिर जाता है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर उसमें से ये तार टाइप निकल रहा है, इसका मतलब है ये फूल खिल के गिर चुका है। अगर अब आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये सीड में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो सीड्स में कन्वर्ट होगा, आपके फ्लावर्स आना कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरी एनर्जी उस सीड्स बनाने में लगा देंगे। तो उस वजह से आपकी जो फ्लावरिंग है वो कम होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पिंचिंग साथ साथ करती रहनी है। प्लांट्स की भी पिंचिंग करनी है और साथ साथ जो फूल खिल के गिर जाते हैं उसकी भी पिंचिंग करनी है। तीसरी बात, आपको इसके अंदर खाद डालनी है हर 15 दिनों में। जैसे कि आपको पता है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। पर ध्यान रखिएगा, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, पानी से भर के नहीं रखना। मिट्टी का वेल ड्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस मिट्टी को वेल ड्रेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो आपके रूट्स हैं प्लांट्स के, वो धीरे धीरे गलेंगे और आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की। आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी। इसको लगाना बहुत ईजी है। इसकी रूटिंग आपको 2 वीक्स में नज़र आने लग जाएगी, पर इसकी कटिंग्स को बार बार चेक नहीं करना है आपको। अगर आप इसके सीड्स चाहते हैं तो जो फ्लावरिंग आती है आप उसकी पिंचिंग नहीं करेंगे और उसको सीड्स में कन्वर्ट होने देंगे। जैसे ही वो सीड्स मैच्योर हो जाएं, यानी कि थोड़ा ब्लैकिश कलर में हो जाएं, तो उसके बाद आप उनको निकाल लीजिए और उनसे नए प्लांट्स बना लीजिए। लेकिन उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप उसको कटिंग से प्रोपोगेट कीजिए। ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। शेड एरिया में रखेंगे तो फूल के साइज़ छोटे होते जाएंगे, तो इसे फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर बहुत सारे फूल चाहते हैं तो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।